राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। 680 वीडियोस के माध्यम से इस चैनल में अज्ञात, अल्पज्ञात, पूर्ण रूप से अज्ञात ऐसे वीरांगनाएं, वो क्रांतिकारी, वो नायक नायिकाएं, वो हुतात्माएं, देवात्माएं, वो कुर्बान होने वाले, बलिदान होने वाले, लगभग 1800 से ऊपर मैं आपके सामने ऐसे वीर वीरांगनाएं आपके सामने मैं ला चुका हूं जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए सर्वस्व निछावर किया, कमाल शौर्य और वीरता के नए नए पृष्ठ लिखे, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे सब लोगों का बलिदान केवल 190 वर्ष का मैं आपके सामने ला रहा हूं। अभी 1757 से 1947 ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से ब्रिटिशर्स के जाने तक का, लेकिन हमें बताया गया आजादी दो लोगों का नाम जिन्होंने एक लाठी नहीं खाई। चलिए इस पर चर्चा बाद में करेंगे, पहले ऐसे ही अज्ञात लोगों के साथ ऐसे कुछ 4-5 नाम आज मैं और जोड़ने जा रहा हूं। 4-5 नाम उस श्रृंखला के साथ, उस पंक्ति के साथ जिन्होंने स्वतंत्रता रूपी यज्ञ में, महायज्ञ में अपने आप को आहुत कर दिया। श्री सुखदेव सुरालकर, श्री सुखदेव सुरालकर, सुरालकर, सुखदेव सुरालकर का वही अपराध था जो अगस्त क्रांति के अन्य अपराधियों का था। सुखदेव ने इंटर की कक्षा से ही अपने अध्ययन को तिलांजलि देकर भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था और गिरफ्तार करके उसे नासिक के केंद्रीय कारागार में रखा गया था। सन 1943 में सुखदेव सुरालकर की जेल में ही मृत्यु हो गई। यद्यपि वे बीमार नहीं पड़ा था, पर जेल में उसकी मृत्यु रहस्य भी नहीं बनती। क्यों क्यों रहस्य नहीं बनी? क्योंकि सामान्य बुद्धि वाला कोई भी व्यक्ति इतना अनुमान तो लगा सकता है कि जेल में सुखदेव के साथ जो 9 महीने का कठोर कारावास मिला था, कितने अत्याचार हुए होंगे, कितनी यातनाएं उसको दी गई होंगी असहनीय, और इंटर तक पढ़ने वाला और बाद में इसमें कूदने वाला और कुछ ही दिनों के अंदर अपने जीवन की लीला का अंत करने वाला श्री सुखदेव सुरालकर। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सुखलाल, श्री सुखलाल मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के चिचली गांव के निवासी थे। श्री सुखलाल, सुखलाल ने 23 अगस्त 1942 को अपने हाथों में तिरंगा थामा और वह एक बहुत बड़ी भीड़ लिए थाने की तरफ चल पड़ा। भारत माता की जय, अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे बड़ी बुलंदी के साथ लगाए जा रहे थे। पुलिस पहले से ही तैयार, पुलिस दल ने आंदोलनकारियों पर गोलियां चला दी। सुखलाल के शरीर में 2 गोलियां समा गईं और उसने बलिदान का पथ अपना लिया। श्री सुखदेव सुरालकर के बाद श्री सुखलाल, ये 2 नाम और आगे बढ़ते हैं। श्री सुखलाल गुर्जर, सुखलाल गुर्जर की अभी आयु ही क्या थी,
वे कक्षा सात में ही तो पढ़ रहा था, लेकिन कर्तव्य की पुकार सुनकर वे देश की आजादी के आंदोलन में कूद पड़ा। वे महाराष्ट्र के जलगांव जिले के शेदुरनी गांव का रहने वाला था। गांव वालों ने एक कार्यक्रम बना डाला नौजवानों ने मिलके, वो क्या कि गांव के डाकखाने को लूटा जाए और गांव के पटेल पर आक्रमण करके उसकी पिटाई की जाए। उसको मारेंगे नहीं, उसकी पिटाई करनी है। क्यों? गांव का पटेल अंग्रेज सरकार का पिट्ठू था और वे गांव वालों की राजनीतिक गतिविधियों की सूचनाएं अफसरों को देता रहता था। 10 अगस्त 1942 को पहले आक्रमण किया गया डाकखाने पर। जब डाकखाने पर आक्रमण हुआ तो पोस्टमास्टर ने हमले की सूचना पुलिस को तत्काल दे दी। डाकखाना तो लूट लिया गया, लेकिन आंदोलनकारी जब पटेल के घर पहुंचे तो पुलिस भी वहां पहुंच चुकी थी। पुलिस ने आंदोलनकारियों पर गोलियां चला दी। पुलिस की गोलियों से कुछ लोग घायल हुए, लेकिन श्री सुखलाल गुर्जर वहीं मृत्युंत हो गया, वहीं पर जीवांत हो गए, बलिदान हो गए। एक चेतनाशील विद्यार्थी ने अनंत जीवन का वरण कर लिया। सुखलाल के पिता श्री भीखा गुर्जर ने जब अपने पुत्र के बलिदान का समाचार सुना तो उन्हें गर्व का अनुभव हुआ। याद आ गया घर में वो बातचीत का सिलसिला, कुछ दिन पहले की बातें आंखों के सामने एक रील की तरह घूम गई। वो क्या, सुखलाल ये विद्यार्थी, ये बच्चा अपने पिता को कह रहा है, पिताजी आजकल इधर उधर बहुत आंदोलन हो रहे हैं, लोग भारत माता की जय, अंग्रेजों भारत छोड़ो ये सब बोल रहे हैं, ये क्या है माजरा? तो पिताजी ने अपने शब्दों में उसको बताया कि हमारी भारत माँ को अंग्रेजों ने जबरदस्ती गुलाम बना रखा है, वो शोषण कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, लूट रहे हैं वगैरह वगैरह। तो लोग अच्छा है लड़ रहे हैं, ठीक है लड़ना चाहिए। जब बोला ठीक है लड़ना चाहिए तो ये सुखलाल गुर्जर जो बच्चा कह रहा था कि अगर ठीक है लड़ना चाहिए तो मेरा मन भी करता है मैं इसमें कूद पड़ूं। तो उन्होंने कहा बच्चे तू थोड़ा सा और पढ़ ले, बड़ा हो जा फिर कोई बात नहीं, फिर मैं खुशी खुशी तुम्हें भेजूंगा, लेकिन अभी तुम्हें पढ़ना चाहिए। ये बातें, और फिर क्या बोला था कि बड़े होकर जब तुम इस आंदोलन में भाग लोगे कुछ भी हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, मुझे अच्छा लगेगा कि मेरा बेटा स्वतंत्रता आंदोलन में भारत माँ की गुलामी की के बेड़ियां काटने के लिए खुद कट गया, कुछ भी हो गया मैं गर्व महसूस करूंगा। ये बात याद आ रही थी श्री भीखा गुर्जर को, जो अपने बेटे के साथ बातचीत के अंदर उसने बोली थी। आज जब ये समाचार मिला, आयु छोटी थी बच्चे की सुखलाल गुर्जर की, लेकिन उसने इंतजार नहीं किया, उसने वही पथ अपनाया जो उसको बाद में भी अपनाना था। तो ये भीखा गुर्जर उसके पिता बहुत प्रसन्न हुए, गर्व से भर गए। ये थे श्री सुखलाल गुर्जर। अब हम आगे चलते हैं। श्री सुधांशु शेखर नंदी, श्री सुधांशु शेखर नंदी, बंगाल के क्रांतिकारियों ने बम निर्माण को गृह उद्योग का रूप प्रदान कर दिया था। घर घर में बम बन रहे थे। पुलिस के साथ उनकी ठंती रहती थी, एक दूसरे को धमकियां चलती रहती थी, कभी पुलिस की गिरफ्त में आ जाते थे और कभी पुलिस वाले को अकेला देख करके बम विस्फोट करके उसको खत्म कर देते थे। ये सब चल रहा था।
भीषण दमन के बावजूद क्रांतिकारी लोग बाज नहीं आ रहे थे, रुक नहीं रहे थे। बोगरा के निकट जयपुर हाट नामक स्थान पर चार क्रांतिकारियों का एक दल बम बनाने के काम में लगा हुआ था। वे लोग इस कला में दक्ष नहीं थे, एक्सपर्ट नहीं थे, प्रांगण नहीं थे। तनिक असावधानी के साथ या असावधानी हो जाने के कारण बम विस्फोट हो गया, फट गया। फलस्वरूप सुधांशु शेखर नंदी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई और अन्य जो तीन साथी थे वो भी बड़ी बुरी तरह से घायल हो गए। तो श्री सुधांशु शेखर नंदी भी उसी राह पर चल पड़े। एक नाम और, श्री सुब्रे तिमना भाट। श्री सुब्रे तिमना भाट मैसूर के मंदिर में पुजारी थे, पर उनमें काफी राजनीतिक चेतना थी। यही कारण था कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन छिड़ा तो पुजारी जी उसमें पूरी शक्ति के साथ कूद पड़े। एक बहुत बड़े समुदाय पर उनका प्रभाव था पुजारी होने के नाते। उनका भक्त संप्रदाय काफी उग्र हो उठा था। श्री सुब्रे तिमना को गिरफ्तार करके मुकदमा चलाया गया और 4 वर्ष 3 माह के कठोर कारावास का दंड सुनाया गया। जेल में ही 20 दिसंबर 1942 को उनकी मृत्यु हो गई, वो भी उसी राह पर, अज्ञात, अल्पज्ञात, पूर्ण रूप से अज्ञात। इन सब लोगों को जो मैं आपके सामने ला रहा हूं, मेरा एक ही लक्ष्य है, इतिहास को न्याय संगत ढंग से अगर लिखा गया होता, बताया गया होता और हमें बताया गया। ये जो 1800 से ऊपर में क्रांति वीर वीरांगनाएं आपके सामने ला चुका हूं, इनमें से 99% अज्ञात, पूर्ण रूप से अज्ञात। ये आज जो नाम 5-6 मैंने आपके सामने लाए हैं, कौन जानता है भाई इनको। और हमें बताया गया कि आजादी नेहरू और गांधी ने लेके दी, जिन्होंने एक लाठी नहीं खाई। ये लोग जो फांसी के तख्तों पर झूल रहे थे, जेलों के अंदर लंबी कठोर यात्रा सहते हुए दम तोड़ रहे थे, काला पानी जैसे घोर नरक में लंबी यात्रा सहते सहते वहीं पर 90% क्रांतिवीर मर खप रहे थे। इन सब का कोई योगदान नहीं, कोई नाम नहीं, कोई इतिहास नहीं, कोई इतिहास का कोई एक पृष्ठ, कोई एक पंक्ति इनके लिए सुरक्षित नहीं। ये स्वर्णिम पृष्ठ लिखने वाले क्रांतिवीर वीरांगनाओं को आपके सामने लाने का एक मैं प्रयास कर रहा हूं, इसलिए कि कोई भी कौम अपने बुजुर्गों को, पुरखों को जिन्होंने बलिदान किए, जो भरी जवानी के अंदर आए, बाल बालिकाएं, किशोर किशोरियां, युवा युवतियां, हर आयु वर्ग के लोगों ने, इतना ही नहीं देश विदेश के दसों दिशाओं में कहीं भी भारतीय बैठा था तो एक माहौल बन गया था, भारत माता की जय, अंग्रेजों भारत छोड़ो, इनकलाब जिंदाबाद, ऐसे कई नारों से देश गूंज रहा था। एक के बाद एक कुर्बानी हो रही थी, ऐसे सब कुर्बान होने वालों को कहीं इतिहास में स्थान नहीं मिला। मैं ऐसे सब लोगों को आपके सामने लाकर इनको श्रद्धांजलि सुमन भेंट कर रहा हूं, इनको स्मरण कर रहा हूं। मैं समझता हूं ये किसी भी कौम का ये दायित्व है कि ऐसे बलिदानी लोगों को जिन्होंने कुर्बानियां दी, निष्काम निशावर हुए, उन सब लोगों को हम स्मरण करें। वो हमारे प्रेरणा स्रोत है, वो हमारी श्रद्धा के केंद्र है। आज की जनरेशन को उनके बारे में जानना जरूरी है। मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।